गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज फिर आप लोगों के समक्ष हम आप लोगों का क्लास टेंथ का अगला पार्ट भारत से हमने क्या सीखा, ये जो पूरी भारतवर्ष है इससे हमने क्या सीखा, आप लोगों का पाठ का नाम है जो कि तृतीय पाठ है आप लोगों का। और कुछ सेकंड के लिए मैं एक पेपर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसको बारीकी से देखिएगा एक नज़र में। You can also pause this video and you can also write because it is a very very important for your examination. So many questions asked of this. ये जो आप पेज अपने सामने देख रहे थे इसमें बहुत सारी जानकारियां दी हुई हैं और ये पेज में बताया जा रहा है कि भारत से हमने क्या सीखा। ये पहला नंबर क्या है, तो भाषण है। ऐसा पूछा जाता है कि ये क्या है भाई, तो ये भाषण है। इसको लिखा किसने है, तो मैक्स मूलर द्वारा लिखा गया है। और मैक्स मूलर क्या थे, तो इनका देखिए, इनका जन्म हुआ था, ये जर्मन के व्यक्ति थे, इनका जन्म हुआ था जर्मन, तो याद रखिएगा मैक्स मूलर जर्मन, तो ये जर्मन के क्या थे, नागरिक थे। इनका इनका जो जन्म हुआ था जर्मन के डसाउ नामक नगर में हुआ था 6 दिसंबर 1823 को। इनके पिता का नाम है विलहेम मूलर, इनके पिता का नाम है बाबू विलहेम मूलर। और इनकी मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर 1900 में, ठीक है। और इनको, और देखिए इन्होंने अपने कृति में इन्होंने क्या क्या काम किया है, 1894 ईस्वी में हितो उपदेशक को जर्मन में अनुवाद किया है। अनुवाद बाबू जानते हैं ना, अनुवाद करने वाला, ट्रांसलेट किया है, यानी कि ये आपका हितो उपदेश एक संस्कृत का पुस्तक है जिनको इन्होंने जर्मन में क्या किया, ट्रांसलेट किया है। तथा कंठोपनिषद और केनो उपनिषद तथा मेघदूत को भी इन्होंने जर्मन में अनुवाद किया है। देखिए दो याद रखिएगा, कंठ है ना, ये कंठ जिसे हम बोल रहे हैं, और आपका क्या है यहाँ पर केनो उपनिषद, तो कंठ और केन याद रखिएगा, कंठो उपनिषद और केनो उपनिषद, उपनिषद दोनों में क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कंठो उपनिषद और केनो, यानी कि कंठ से बोलेंगे तो कान में सुनाई देगा। तो ये आपका छोटा ट्रिक है, इसको याद रखिएगा, कंठो और केनो इनो, और तथा मेघदूत आपका कालिदास का एक पुस्तक है, तो इन तीनों पुस्तकों को इन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया है कि वहां के लोग आसानी से पढ़ सके। चलिए उसके आगे आते हैं कि इनको उपाधि इनको दी गई थी, उपाधि दी गई थी स्वामी विवेकानंद, एक बहुत ही महान पुरुष है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा इनको क्या कहा गया था, इनको कहा गया था कि वेदियों का वेदांती, यानी कि वेदों की आप ज्ञाता हैं, ऐसा कुछ इसका अर्थ निकलता है बाबू, तो वेदियों का वेदांती इनको उपाधि दिया गया था। जैसे आपके क्लासरूम में कोई बच्चा ज्यादा पढ़ने में तेज होता है तो सर लोग उसका कुछ अलग नाम रख देते हैं, भाई तू आइंस्टाइन है, कोई साइंस में पढ़ने में तेज होता है, कोई इंग्लिश में पढ़ने में तेज होता है, तो भाई तू क्या है, शेक्सपियर है, तो भाई क्या है, इंग्लिश पढ़ने में तेज होता है, ऐसा उपाधियां लोग पहले दिया करते थे। चलिए उसके पीछे कहते हैं, उसके पीछे सम्राज्ञी विक्टोरिया, आपके विक्टोरिया क्यों जानती हैं, इंग्लैंड की ईरानी थी, तो सम्राज्ञी विक्टोरिया ने इन्हें मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि से क्या किया, सुशोभित किया था, इनको नाइट की उपाधि दी गई थी, आप क्या है, नाइट है, ठीक है, तो इनको नाइट की उपाधि से इनको क्या किया था, सुशोभित किया गया था। चलिए तो ये एक नजर में याद रखिएगा और इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके आगे आते हैं, देखिए आपके पाठ पुस्तक जो है सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, भारत से हमने क्या सीखा, भाई ये जो पूरा भारतवर्ष है इससे हम क्या सीखते हैं। अब हम इस पाठ को बहुत ही कम समय आपका लेते हुए इस पाठ को हम खत्म करेंगे। चलिए सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, यद्यपि आप मुझसे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा कि वह देश भारत है। यहां पर कवि कह रहा है कि सर्वविद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य, यानी कि सभी संपदाओं से संपदा आपके संपत्ति होता है, सभी संपत्ति से परिपूर्ण और सौंदर्य मतलब सुंदरता बाबू होता है, सुंदरता से परिपूर्ण कौन सा देश है,
यदि आप मुझसे भूमंडल का आलोकन पूरी पृथ्वी का भ्रमण करना कहेंगे तो मैं पूरे पृथ्वी का मतलब उसका भ्रमण करके मैं ये बात बताऊंगा कि वो देश भारत है। भारत जहां भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है और भारत एक ऐसा देश है जहां पर उसके भूमंडल है ना, भूतल है ना, यानी कि उसकी पृथ्वी है, वहां पर स्वर्ग की जो छटा है, स्वर्ग के जो आनंद है वहां देखने को मिलते हैं, कहां? भारत में। यदि आप यह जानना चाहेंगे कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टता उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उनमें से कईयों के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले हैं कि प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिकों का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए भी वे मनन के योग्य हैं, तो चाहे यहूदी की विचारधारा में की सादगी अवगत कराते रहने वाले हम यूरोपियों को भी ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतरिम परिपूर्ण अधिक सर्वांगीण अधिक विश्वव्यापी यूं कहें कि संपूर्णतया मानवीय बन जाए। और यह जीवन ही क्यों अलग जन्म तथा 700 जीवन भी सुधर जाए तो मैं एक बार फिर भारत का नाम लूंगा। देखिए, भारत जो कहा जाता है कि भारत पहले का विश्व गुरु रहा है और एक धर्म के क्षेत्र में नहीं बल्कि आपके साइंस, आपके जो आप विज्ञान जिसे कहते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में, और जितने भी विद्वान हुए हैं कहीं ना कहीं उन्होंने भारत का कभी ना कभी भ्रमण करने आया और भारत की बहुत ही सुंदर और भारत की जो इसका गुण है और भारत वर्ष जो है और इसकी जो महानता है उनकी व्याख्या इन्होंने की है। एक मैक्स मुलर ही नहीं बल्कि इसके पहले भी बहुत सारे विद्वान भारत की भ्रमण करने आए और भारत के बारे में अनेकों जितने लोगों ने लिखा अपने अनुसार अलग अलग इसकी विशेषता ही बतलाई और ये बोल रहे हैं कि जो भारत है वो शाश्वत के दृष्टिकोण से देखा जाए, यानी धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए या फिर आपके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए या फिर भारत की जो संस्कृति और सभ्यता के दृष्टिकोण से देखा है, हर एक नजरिए से, हर एक दृष्टिकोण से भारत परिपूर्ण है। भारत में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जो लोग आजकल के भारत में घूम कर आए हैं उन लोगों को अधिकतर भारत के कलकत्ता, मुंबई, मद्रास या ऐसे दूसरे शहरों की ही याद है, जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर ही रहता है क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन वही हो सकते हैं। देखिए, जितने लोग भी भारत का भ्रमण करने आते हैं, घूमने आते हैं, उनको भारत की जो प्रमुख शहर है, मद्रास हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता, इन्हीं सब के नाम याद रहते हैं, लेकिन जो मैक्स मुलर है, जो सच्चे हृदय वाले व्यक्ति हैं, वो और भारत की दर्शन करने आता है तो भारत का वास्तविक जो दर्शन होता है भारत के ग्रामीण क्षेत्र में, जो भारत का ग्राम है और जो आपके जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर क्या होता है, वास्तविक भारत का दर्शन होता है क्योंकि भारत के ग्रामीण क्षेत्र में जितने लोग होते हैं उनमें संस्कृति, सभ्यता, हर एक चीज़ परिपूर्ण देखने को मिलता है। तो ये आपके प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं कि भारत माता कहाँ वास करती है, तो भारत के ग्राम में, यानी कि भारत के गांव में वास करती है। और भारत माता किसको कहा गया है, तो भारत माता भारत के जो लोग हैं, यही भारत के क्या है, यही आपके भारत माता है, भारत के लोग, हाँ, भारत के लोग से ही इस भारत का पूरा क्या हुआ, निर्माण हुआ है। बाबू, याद रखिएगा, 2-3 हजार वर्ष पुरानी ही क्यों, आज का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिसका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। यदि आपकी अभिरुचि की पैट किसी विशेष क्षेत्र में है तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत के पर्याप्त अवसर मिलेगा। यदि आपने उन बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ली हो जिनके बारे में आपने यहाँ के श्रेष्ठतम विचारक सोच विचार किया करते हैं तो आपको अपने भारत प्रवास को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में
ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, निर्वाह समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है बाबू। यहाँ पर देखिए, और भारत का भ्रमण करने आते हैं तो हर एक क्षेत्र में जो भारत है वो परिपूर्ण है। कोई आपका जो साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यहाँ पर किसी भी चीज़ की अनवांछनीय नहीं है कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ मौजूद नहीं है, या फिर ऐसी मेधा की भारत में कोई कमी नहीं है। ऐसे मेधावी लोग भारत में परिपूर्ण है, और आज से नहीं ये भारत विश्व को हमेशा ऐसे ऐसे लोगों से मुखातिब कराते हुए आता है कि जिनका विश्व में नाम है। चलिए, यदि आप भूविज्ञान में अभिरुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भू प्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। और भारत में आप भूमंडलीकरण के बाबू बड़ी अच्छा शब्द आता है कि जो भूमि है उसकी आप दर्शन करने के लिए आते हैं, तो भारत के सटे नेपाल आपका पड़ता है और वहाँ पर क्या है, हिमालय है, और हिमालय विश्व का सबसे बड़ा पर्वत शिखर है, तो वो आपकी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। और यहाँ पर जो श्रीलंका है तो आपकी जो श्रीलंका भी है वो भी आप क्या करिए, प्रतीक्षा करिए। यहाँ पर आप जो पृथ्वी की वास्तविक जो सुंदरता है, जो सुंदर है, आप उसे देख सकते हैं। यदि आप वनस्पति जगत में विचरण चाहते हैं तो भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। देखिए, अगर आपको वनस्पति जिसको बाबू बोटनी कहा जाता है यानी कि पेड़ पौधों में आपकी और अपनी अभिरुचि है, तो हकर्स एक वैज्ञानिक यहाँ पर नाम दिया गया है कि उनके जैसे भी वैज्ञानिक भारत में अनायास न चाहते हुए भी भारत की भ्रमण करने आ जाते हैं कि यहाँ कितने अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और उनको हम देख करके और उनसे बहुत सारी उनकी जो खूबियाँ है उसको हम निकाल सकते हैं और उनके ऊपर परीक्षण कर सकते हैं। यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है तो आपका ध्यान श्री हेकल की ओर अवश्य होगा, जो इन दिनों भारत के कनांतरों की छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र तट से मोती भी बीन रहे हैं। और आपका जो अभिरुचि जीव जंतुओं में है तो वो भी जगह भारत में क्या है, मौजूद है, और उस जगह का नाम है श्री हेकल। चलिए, भारत का यह निवास काल उनके जीवन के सबसे सबसे सुनहले सपने की साक्षात्कार बाबू कहा जाता है इंटरव्यू को, यानी कि और भारत में जो लोग निवास करते हैं और उनकी अगर जो सुनहले जो सपने हैं यानी कि उनके जो सुंदर सपने हैं उनका क्या होता है, वहाँ पर इनका इंटरव्यू होता है, यानी कि वहाँ पर हर एक चीज़ जो अपने अंदर इच्छा जाहिर करते हैं उन सारे दृश्यों को देखने के लिए भारत में मिल जाते हैं, वो सारे चीज़ मिल जाते हैं। यदि आप निर्वंश विद्या में अभी रुचि रखते हैं तो भारत आपको एक जीता जागता संग्रहालय ही लगेगा। अगर आप पूरी ब्रह्मांड के हर एक चीज़ को ढूंढना चाहते हैं तो भारत क्या एक संग्रहालय, एक म्यूजियम है, और यहाँ पर एक ऐसा ही भारत जीता जागता म्यूजियम है कि जहाँ पर हर एक चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं और यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के उत्खनन के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने के आनंद का अनुभव किया हो तो आपको जनरल कनिधन की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए, और तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालय अथवा विहारों के विध्वंसेशों को खोद निकालने के लिए आपका फवारा आतुर हो उठेगा। देखिए, बड़ी अच्छा बात कहा गया है कि अगर आप पुरातत्व विभाग में अपनी रुचि रखते हैं यानी पुराने चीज़ों को खोज करके उसे धरती से निकालने में, फिर भी आपकी जो भारत की भूमि है उसमें भी कम नहीं है, और आपका जो फवारा है ये रुकने नहीं देगा, क्योंकि आपको उस उत्खनन यानी कि आप जब उसको खोदना शुरू करेंगे, उसके अवशेष आप निकालना शुरू करेंगे, तो बहुत सारे पुराने हर एक अवशेष आपको मिलेंगे कि यहाँ कितने राज्यों ने राज किया था, यहाँ की
यहाँ के लोग कैसे रहते थे, यहाँ की सभ्यता क्या थी, यहाँ की संस्कृति संस्कृति क्या थी, इसकी जो जिज्ञासा है आपके अंदर, उस फवारे को चलाने के लिए आतुर हो उठेंगे और आप अपने आप को रोक नहीं पाएगा। जो भारत की जो भूमि है हर एक चीज से परिपूर्ण है। और हम पुराने बात करें तो इसमें नालंदा विश्वविद्यालय की बात की गई है। आज भी आप नालंदा विश्वविद्यालय की जो पुरानी खंडहर बची हुई है आप उसको देखकर उस पौराणिक चीजों की अनुमान लगा सकते थे कि जिस समय यह अच्छी रही होगी उस समय कितनी खूबसूरत और कितनी विशालकाय रही होगी और यहाँ की हर एक चीज कितनी सुव्यवस्थित ढंग से चल रही होगी। यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए पुराने सिक्कों के लगाव हो तो भारत भूमि में ईरानी केरियन थ्रेसियन पार्थियन यूनानी मैकेडियन सको रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होंगे। देखिए अगर जो लोग कितने सारे लोग होते हैं जो कि पुराने सिक्के इकट्ठे करने के शौकीन होते हैं, अगर आपको पैसा मुद्रा पुराने पैसे को इकट्ठा करने का शौक है तो वो भी आपको मतलब भारत की जो भूमि है इससे भी कहीं दूर नहीं है। आपको हर एक प्रकार की मुद्रा यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे हमने नाम लिया था आपकी यूनानी रोमन शक आपका एक वंश है, जब इतिहास में पढ़ेगा तो शक वंश आएगा। और जितने भी मुस्लिम शासक थे भारत में शासन किए और उन्होंने अलग अलग मुद्राएं चलाई, ठीक है, तो वे सारे मुद्रे आपको यहाँ की भूमि से मिल सकते हैं। जब वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास उसे 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देश मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यह समझाकर भिजवा दिए कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिनकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी। और इस प्रकार वह स्वयं को अपने मालिकों के दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर देगा। देखिए और यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स आप लोग जानते होंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के एक गवर्नर जनरल था जिस समय अंग्रेज भारत में शासन करते थे, उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का एक क्या था, गवर्नर जनरल था, इतना याद रखिएगा। और उसको इसी उत्तर प्रदेश में उसको एक घड़े में सोने के भरे हुए क्या मिले, 172 ईस्वी के मतलब आपके सिक्के सोने के मिले। और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मालिक को वो चीज सोना का जो घड़ा है उसको सौंप दिया। और सौंपने के बाद उन्होंने अपनी यानी कि उस कंपनी के नजर में एक अच्छी इज्जत बना ली। तो देखिए ये और उसको किस तौर पे सौंपा, एक भेंट की तौर पे एक गिफ्ट की तौर पे उसे उन्होंने सौंपा। और उन्होंने कहा कि ये जो भारत की भूमि है उस समय भी हर एक चीज से परिपूर्ण थी, किंतु इस दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यही नियति थी कि कंपनी के निर्देशक उनका ऐतिहासिक महत्व समझ ही न पाए और उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला। जब वॉरेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो वे स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। अब यह आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी ना होने दें। देखिए और जो वॉरेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड पहुंचा, जो भारत का गवर्नर जनरल था, तो वहां पर जाकर उस मुद्रा को ढूंढने लगा, लेकिन उस समय जो सोने की मुद्रा थी उसको गला दी गई थी। और इससे कभी हम लोगों को ये सीख देता है कि जो भी पौराणिक चीज अगर हमारी इस भारत की भूमि से प्राप्त होता है तो उसे ऐसी गलती ना करें, उसे नष्ट ना करें जो एक बार गलती हम कर चुके हैं। देव विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक देवता विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है उसके फलस्वरूप संपूर्ण देवत्व विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हो गया है। किंतु बावजूद इसके कि सच्चे देवता विज्ञान की एक आधारशिला रखी जा चुकी है, इस विज्ञान की व्यापक रूपरेखाएं अभी निर्मित होनी है और यह कार्य जितने सही ढंग से भारत में हो सकता है अन्यत्र कहीं नहीं हो सकता। नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध संसाधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति
कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही हैं। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है, किंतु यहाँ भी अनेक समस्याएं ऐसी हैं जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही हैं। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गधा की कहावत को ही ले लीजिए। इस कहावत से सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध और प्राचीन दार्शनिक प्लूटो के क्रिस्टल में मिलता है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो भारत की अपनी भूमि है और भारत में जो मतलब नीतियाँ बहुत सारी महान पुरुष हुए, जैसे आपके कौटिल्य हैं, फिर आपके चाणक्य हैं, तो ऐसे बहुत महान महान जो पुरुष हुए जो कि भारत में अनेक प्रकार की नीतियाँ, यानी कि जो मानवीय जीवन को सशक्त और मजबूत बनाने में और उनकी जो जीवनचर्या है और जो पूरा होल जीवन है, जो पूरी जीवन है, उसको एक सही ढंग से संचालन करने में वो बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो बहुत सारे ऐसे मतलब महान पुरुष थे जिन्होंने अपनी नीतियाँ दी, और बहुत सारे दंत कथा है। दंत कथा का मतलब जानते हैं बाबू? दंत कथा का मतलब होता है मतलब अपने से मन गढ़त कहानी जो होता है उसको दंत कथा कहा जाता है, जो अपने से खुद बनाया गया। तो उस समय हमारे देश में जो आज पूरा विश्व उस धर्म को मानता है, वो भारत की भूमि यानी कि नेपाल से सटे उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पे, और उनका नाम बताने जाएंगे भगवान बुद्ध। तो भगवान बुद्ध यानी बौद्ध धर्म का उन्होंने क्या किया था, स्थापना किया, जो कि आज पूरे विश्व में चल रहा है। तो भारत की भूमि ऐसी है कि बहुत सारे महान व्यक्ति यहाँ से जन्म लिए और आज वो पूरे विश्व के लोग उन सारी चीज़ों को मानते हैं। और बहुत सारी मतलब ऐसे मतलब कहावत हैं, चाहे ऐसे बहुत सारे बात भी भारत को लेकर की जाती है कि भारत क्या है, एक अंधविश्वासी देश है, बहुत सारे यहाँ पर अंधविश्वास। लेकिन जहाँ पर आपके बहुत सारी चीज़ों का रिसर्च होता है तो कुछ गलत भी होता है, कुछ सही भी होता है। इसलिए जो सही है और जो अच्छा है उस पर ही लोगों को फोकस करना चाहिए। चलिए उसके आगे आते हैं। तो क्या यह कहावत पूर्व से उधार ली गई थी? और इसी प्रकार हम नयोले या चूहे से संबंध उन नीतियों कथाओं को भी ले सकते हैं जिसे एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था, किंतु जो एक चूहे को देखते ही तत्काल उसकी ओर आकृष्ट हो गई थी। यह भी संस्कृत की एक कथा से सर्वस्व में मिलती जुलती एक कहानी है, किंतु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची और वहां ईसा पूर्व 4वीं सदी में ही स्ट्रिट्स की कहानियों में स्थान कैसे पा गई। देखिए ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं जो भारतवर्ष के होते हुए भी विदेशी लोग उसके जो आपके पात्र हैं उसको बदल देते हैं और बदल कर अपनी कहानियां बताते हैं। जैसे इसमें आप एक कहानी अभी हमको याद आ रहा है कि इसमें एक मूषक रहता है, मूषक मतलब होता है चूहा, और वो जो मूषक होता है एक सुंदर स्त्री में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। आप कहानी संस्कृत में पढ़े होंगे, ठीक है। तो यह भी कहानी कहीं ना कहीं ईसा पूर्व यानी कि ईसा के जन्म से पहले ये आपकी दूसरी देशों में ये कहानियाँ कहने जाने लगी थी। तो कहीं ना कहीं भारत की जो अपनी कहानियाँ होते हुए भी लोग विदेशी लोग हैं वो भारत की मतलब केवल पात्र बदल कर और कहानी को परिवर्तित कर दें, क्या तो ये कहानी मेरा है। इस क्षेत्र में भी अभी बहुत काम करना होगा। हमें इससे भी और अधिक प्रयत्न युग में प्रवेश करना होगा। वहाँ भी भारत तथा पश्चिम की अनेक दंत कथाओं में आश्चर्यजनक अनुरूपताएं मिलेगी। यद्यपि अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह दंत कथाएं पूर्व से पश्चिम तथा अथवा पश्चिम से पूर्व की ओर गई, यद्यपि यह असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के समय में भारत सीरिया और फिलिस्तान के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका हूं कि हाथी दांत बंदर मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ओफिर से निर्णायक की बात बाइबल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देशों से नहीं ला जा सकती है। और यह बात लेने का कोई भी कारण नहीं प्रतीत होता है कि भारत तथा फारस
की खाड़ी और लाल सागर वो भू मध्य सागर के बीच व्यापिक संबंध बहुत बिल्कुल ठप हो गया था। देखिए यहाँ पर कहा जाता है कि आपके मध्यकाल में जो अलग अलग जो देश थे वहाँ से भारत का आवागमन क्या था, सुचारू रूप से चल रहा था और वहाँ से भारत के लोग वहाँ जाते थे तो भारत की जो अपनी संस्कृति सभ्यता है यहाँ की जो मतलब कहानियाँ हैं सब वहाँ के लोग सुनते थे और वहाँ के यहाँ तो भारत की बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने नकल करके और अपनी नाम दे दी है। और इन्हीं सारी बातों को जो कवि है आप लोगों को कहना चाहता है क्योंकि आपको बाइबल में बहुत सारे चीज़ों का बखान किया गया है, जैसे हाथी दंत, बंदर, मोर, चंदन, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं भारत से ली गई चीज़ें हैं क्योंकि भारत से इन सारी चीज़ों का संबंध बहुत ही गहरा है। तो उस समय और यहाँ पर दो तीन चीज़ों का और यह मान लेने का भी कोई कारण नहीं प्रतीत होता है कि भारत तथा फारस की खाड़ी, फारस से आपका देश का नाम था और फारस की खाड़ी और लाल सागर आप लोग जानते हैं आज इसको रेड ओशियन कहा जाता है, लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच व्यापिक संबंध कभी बिल्कुल ठप नहीं होगा और भारत से जो इन सारे देशों का जो संबंध है वो कभी पूर्णतः रुका ही नहीं है। और जब पूर्णतः रुका नहीं है तो यहाँ की जो संस्कृति और सभ्यता है उन सारे चीज़ों को सीख करके और उन लोगों ने अपना एक आविष्कार बताया, उन्होंने अपना बताया कि ये सारे चीज हम लोग का क्या है, देन है। यहां तक कि शाहनामा के रचना काल 10वीं 11वीं सदी में भी भारत के साथ यूरोप के यह व्यापक संबंध बंद नहीं हुए थे और उस समय शाहनामा यानी कि राजा का जब शासन काल था उस समय 10वीं और 11वीं सदी में भी भारत का जो यूरोप के साथ जो व्यापक संबंध था वो बिल्कुल बंद नहीं हुआ था। आप में से कईकों ने भाषाओं का ही नहीं भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा, तो आपको क्या भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई पड़ता है जहां केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और क्षय से संबंध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके। वहाँ आपको आर्य, द्रविड़, मुंडा जैसे अनेक भारतवासी प्रजातियों की बोलचाल की भाषाओं का ही नहीं अपितु उनके साथ यूनानी, पूची, हुंड, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों वो विजेताओं की भाषाओं के सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का भी सुयोग प्राप्त हो सका है। देखिए यहाँ पर इन सारे की भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है और यहाँ का जो भाषा का विस्तार है ये आप जानते हैं कैसे हुआ है, क्योंकि आज जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले हमारे देश में जितने भी मुस्लिम शासक थे, जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो भारत आकर के क्या करते थे जी, यहाँ पर राज किए और यहाँ पर राज करके वे लोग अपने अपने देश से वो आक्रमणकारी थे, भारत आकर आक्रमण करते थे और यहाँ का लूटपाट करके और सारे धन खजाने को लेकर अपने देश चले जाते थे और यहाँ क्या आते थे यहाँ की भाषा, संस्कृति, हर एक चीज सीख कर और यहाँ जाते थे और उनके भाषा में भी भारतीय बहुत सारी तत्व क्या है विद्यमान थी, बहुत सारी तत्व, बहुत सारी शब्द उनकी अपनी भाषाओं में क्या थी विद्यमान थी और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जो भारत का अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर है वो पूरे विश्व में धीरे धीरे क्या होता गया, फैलता गया। और उसके आगे आते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों के जैसे आर्य जो है आपके मध्य एशिया से आए हुए हैं जो भारत में है, द्रविड़ आप पढ़े होंगे, मुंडा पढ़े होंगे, तो ये सारे अलग अलग प्रजातियां हैं और अलग अलग प्रजाति की अपनी अलग अलग बोलचाल क्या होती है, भाषा होती है। और आप लोग पढ़े होंगे यूनानी, पीचो, हुब, अरब, ठीक है ना, तो ये सभी क्या है आपके आक्रमणकारी थे जो भारत आए हुए थे। यद्यपि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं तो आपको विधि संहिताओं के एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम या जर्मन के ज्ञात विद्या शास्त्रों के इतिहास से सर्वदा भिन्न होते हुए भी इनके साथ समानताओं और विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोग सिद्ध हो सकते हैं। देखिए विधि मतलब क्या होता है बाबू,
विधि मतलब होता है कानून, तो विधि जो शास्त्र है, अगर आप कानून के भी विद्यार्थी हैं तो भारत भी उस चीजों में क्या है, परिपूर्ण है। भारत भी उस चीजों में क्या है, परिपूर्ण है, और अनेक प्रकार की उसके लिए पुस्तक भारत में उपलब्ध है, और जिसका अध्ययन करके आप बहुत सारे चीजों को आप आसानी से सीख सकते हैं। यहां पर कहा गया है कि उदाहरण के लिए हम धर्म सूत्रों या समय चारित सूत्रों को ही ले ले, यह धर्म सूत्र मानव धर्म शास्त्र जैसे प्रवर्तित विधि ग्रंथों की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। यद्यपि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व और क्रिस्टल से मिलते हैं, जो क्या यह कहावत पूर्व से उधर ही ली जा चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में आधे कहानी को ही कवर कर पाएंगे, आधे आप भाषण को ही कवर कर पाएंगे। इसके अगला जो वीडियो होगा उसमें आपको पूरा दे, क्योंकि एक वीडियो में क्या होता है कि लोग जो वीडियो देखते देखिए उब जाते हैं, मतलब ऐसा बोरिंग लगने लगता है, इसलिए क्योंकि देखिए हर एक जो पाठ है उसको विस्तृत रूप से पढ़ाने का उसके पीछे यही उद्देश्य है कि कोई भी प्रश्न आप लोगों को दिया जाए तो आप लोग एग्जाम में ना छूटे। और आजकल जो प्रश्न दिए जा रहे हैं वो किताब के अंदर से दिए जा रहे हैं, इसलिए पूरे पाठ को पढ़ना मतलब अति अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। और नहीं तो बहुत सारे जो पुस्तक होते हैं या फिर बहुत सारे यूट्यूब पर आपको वीडियो ऐसे उपलब्ध मिल जाएंगे जो केवल सारांश लोग पढ़ाता है। वीडियो कितने मिनट का होता है, 8 मिनट। बच्चे पढ़ के बहुत ज्यादा खुश हो, हम तो 8 मिनट में पूरा वीडियो पढ़ लिए। बाबू ऐसा नहीं है, पूरे 8 मिनट में जो वीडियो आप पढ़ लिए तो नंबर भी आपको उस 8 मिनट के जैसा ही आएगा, क्योंकि उससे 1 या 2 या 3 प्रश्नों का आप उत्तर मात्र दे पाएंगे। और जो सारे प्रश्न आपके गहरे यानी कि बिल्कुल अंदर से जो पूछे जा रहे हैं, आप उन प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ आप प्रतीत होइएगा एग्जाम में, उनका आप उत्तर नहीं दे सकते। इसलिए पूरे पाठ को पूरे साल आपको मिला है तो पूरे साल का जो यूटिलाइजेशन है वो आप अच्छे तरीके से इसको उपयोग करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि इसके अगले पार्ट में। थैंक यू।